हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं साहिल सर सावल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साइंस की केमिस्ट्री की सीरीज आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो मैं आपके साथ कंडक्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अपनी ये क्लास डेली 4 बजे लाइव होती है, तो आप पूरे 4 बजे अपने चैनल पर पहुंच जाया करो इस क्लास के लिए। इस सीरीज के अंदर मैं आपके साथ टॉपिक वाइज केमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं। आज अपना सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपका स्टार्ट किया था, जो आपके सिलेबस का भी सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आज ही अपना टॉपिक पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर आपके मैथ्स के लग गए हैं इस नई सीरीज के अंदर, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ जो है, और 2 लेक्चर आपके हिंदी के लग गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी के नए टीचर आपको बढ़िया लगे हैं, सुपर हैं सर, नेट क्वालिफाइड है। और आज ये चारों PDF आपके ग्रुप के अंदर पूरे 5 बजे मैं सेंड कराऊंगा। ठीक है, 5 से 5:30 के बीच आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोनों दिनों की चारों PDF आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहले क्वेश्चन पे आता हूं मैं अपने आज लेक्चर नंबर 2 के। वेरी गुड, चलो बढ़िया है। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और आपको पसंद आ रहा है, इससे बढ़िया बात अपने लिए कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल जस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, नेम द प्रोसेस ड्यू टू विच ड्राई आइस चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वह प्रक्रिया बारे दसो जिस विच सूखी बर्फ जड़ी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलिया जा सकता है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, जब उसको आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जब आप उसमें दाब अप्लाई करते हो, तो वो सीधी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड बन जाती है, जम जाती है सीधी, वो जो है सीधी सॉलिड बन जाती है वो जो है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी गैसें सीधी सॉलिड बन जाती है, लिक्विड नहीं बनती है ना। तो और ऐसा भी होता है कि जब सॉलिड का प्रेशर रिलीज किया जाता है, वो सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि कपूर जो होता है, कपूर आपने देखा होगा, जब कपूर को आप हवा के अंदर रख देते हो ना, तो वो सीधा गैस बन जाता है कपूर की। जैसे वो बाथरूम के अंदर वो जो खुशबू करने के लिए वो लटकाते हैं ना आप, ओडोनिल, वो पत्थर की सी होती है, वो कपूर की बनी होती है, उसको रख देते हैं आप, 1 महीने के बाद ओडोनिल गायब हो जाती है। अगरबत्ती अलग कंसेप्ट होता है, वो तो जलती है ना, वो तो जलती है, वो गायब भी हो जाती है पूरी। अब वो तो है नहीं कि वो जो बाथरूम में अपन लटकाई थी वो पानी बनी पहले, टप टप पीछे गिर रहा और आपको पता लग रहा हो, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। जो है वो सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाती है और वो गैस को, गंदी गैस को खत्म कर देती है बाथरूम की जो है। तो इस तरह के प्रोसेस को सब्लिमेशन, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर सही है, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, कपूर वगैरह तो चलो हवन में या जलाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्लिमेट होना, ये स्पेशल एक वर्ड है जो इसके लिए यूज किया था, सब्लिमेशन। ठीक है, हाँ जी, चलो बिल्कुल सही है। अब मैं चलता हूं आज के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये अपना ना टॉपिक, पहले टॉपिक के अंदर ही आता है ये 6 तरह के प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक प्रोसेस है ये जो है, मिक्सचर ऑफ डैश टाइप्स, मिश्रण किन्ने प्रकार देहन। वेरी गुड, तो बेसिकली मिश्रण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं होमोजेनियस, समजाति मिश्रण, एक होते हैं हेट्रोजीनियस, विषम जाति मिश्रण। तो 2 तरह के मिश्रण होते हैं हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, सूखी बर्फ का रासायनिक नाम की है। तो देखो, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को ड्राई आइस कहा जाता है, और उसी को ड्राई कोल्ड कहा जाता है। अब इसको ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, सूखी बर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट देखो, जब आप
मान लो कि आपने कोई भी लिक्विड लिया, मान लो आपने जूस ले लिया, जनरली जूस के अंदर तो लोग इसको नहीं ऐड करते, और जूस के अंदर आपने बर्फ डाल दी, तो बर्फ मेल्ट करेगी, आइस मेल्ट करेगी और पानी बना देगी, तो जूस का स्वाद बिगड़ जाएगा, है ना। यही अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड वाली आइस डाली, CO2 की आइस डाली, सॉलिड CO2 डाला, तो ये CO2 गैस में बन के उड़ जाएगा। तो जनरली क्या होता है, जो बियर होती है ना, बियर उसके अंदर पानी नहीं मिलाया जाता, स्पेलिंग BWR जो भी होते हैं, तो उसको ठंडा रखने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, तो बियर के अंदर जनरली बर्फ नहीं मिलाई जाती, बर्फ मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ता है। तो बहुत महंगे होटलों के अंदर ड्राई आइस का भी प्रयोग किया जाता है, या फिर क्या होता है, सस्ती टेक्निक होती है, एक पाइप लगी होती है बीच में, उसके अंदर आइस डाल देते हैं, बर्फ भर देते हैं इसके, और इसके साइड में एक बिकर होता है, उसके अंदर बियर भरी जाती है। तो ये टावर होता है, पिक्चर होती है, जो बड़े बड़े उसमें होटलों में होता है, यहाँ पे इसके टूटी से लगा करके इसको निकाल लेते हैं। तो ये भी टेक्निक यूज की जा सकती है, पर अगर आपको सूखी बर्फ चाहिए तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की ऑप्शन। नाउ डियर, मिल्क इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस नहीं होता मिल्क, जो मिल्क इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ब्लड इज ए हेटरोजीनियस मिक्सचर, ये अगर आप दिमाग में रखो तो रख लेना, मिल्क इज होमोजीनियस, ब्लड का क्वेश्चन बहुत बार आता है, मिल्क का भी बहुत बार आता है, ब्लड इज हेटरोजीनियस, दोनों ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप जो है। फोर्थ क्वेश्चन, द सब्सटेंस यूज इन लार्जर अमाउंट वाइल प्रिपेयरिंग ए सोल्यूशन, कोल बनाउन लई वधेरी मात्रा विच वरती गई वस्तु जड़ी है, कि वह सोल्यूट होंदी है, कि वह सोलवेंट होंदी है, कि वह मिक्सचर होंदी है, कि वह कंपाउंड होंदी है वधेरी मात्रा लई। तो देखो स्टूडेंट्स, सोल्यूट जो होता है ना, वो होता है लेसर अमाउंट में, घट मात्रा विच, और जो सोलवेंट होता है ना, वो होता है मोर अमाउंट विच, अधिक मात्रा विच। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, वाटर, और इसके अंदर आपने एक चम्मच शुगर मिला दी, में ऐड कर दिया आपने, तो शुगर कम है ना, तो शुगर कहलाएगी सॉल्यूट, जो कम है घुलनहार, और वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट, घोलक, ठीक है। घुलित बोल दो इसको आप, जो घुलता है, घुलित, घुलित भी कहा जाता है इसको जो है। तो अब आप बताओ जरा, लार्जर अमाउंट, लार्जर में कौन होता है, वाटर है जो कि सॉल्वेंट है, बी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ओह कोल जिस विच निश्चित तापमान ते होर घुलनहार ना खोलिया जा सके, नो मोर सोल्यूट कुड बी एडेड, नो मोर सोल्यूट कुड बी एडेड, तो उस तरह के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त कोल। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर चीनी मिलानी ऐड की, मिलाते गए घुलती गई, मिलाते गए घुलती गई, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें आप और चीनी नहीं मिला सकते, आप चीनी डालोगे वो अंदर पड़ी रहेगी वैसे की वैसे, घुलेगी नहीं, तो वो घोल जो है ना वो सैचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। और अगर इसमें और चीज घुलानी है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा आपको, फिर उसने तो वो तो फिक्स ही कर दिया ना एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान थे, ठीक है। ठीक है जी, तो
आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी भाई, कल अपना नया पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है अपना जो है भाई बैच नंबर 4। तो आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और वो पेड ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो अभी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है, आप बड़े प्यार से तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट जो है अपने पेड ग्रुप की 6000 रुपये फीस होती है। जैसे ये MCQ के लेक्चर हैं, पेड ग्रुप में थ्योरी के लेक्चर लगते हैं, 5 से 6 लेक्चर आपके लगभग डेली लगते हैं 45 मिनट के। आने वाले 2.5-3 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स खत्म होगा और ये लेक्चर पूरे 1 साल तक रिकॉर्डेड अवेलेबल रहती है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके पेड ग्रुप की जानकारी भी ले सकते हो। एस चंद की MCQ करवाओगे जी? नहीं डियर, एस चंद की MCQ हमारे पेपर के लेवल के बियॉन्ड है। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट जॉब की जब आप तैयारी करते हो तब आप करो, बहुत ही बढ़िया बात है। ए सोल्यूशन दैट कंटेन मोर सोल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ओ कोल, जिस विच संबंधित तापमान उत्ते घुलनहार नाल संतृप्त करन लई लोड़िंदी मात्रा नालो घुलनहार दी बथेरी मात्रा होए। मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा मात्रा आपने घोल दी, इस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? कम कम तो अनसैचुरेटेड होता है और सैचुरेटेड जब पूरा होता है, और जब ज्यादा होती है ना उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। ज्यादा हो गया ना, सुपर होगा, अनसैचुरेटेड में तो घट होता है, अभी और घुल सकता है, और घुलित घुल सकता है। ना? और कुलित नहीं खुल सकता, कुलित की मात्रा संतृप्त तो वध है, उससे भी ज्यादा है, उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब कि सुपर सैचुरेटेड है ये, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअल में ना थोड़ा सा टॉपिक, कई बार टॉपिक टू टॉपिक भी डिपेंड करता है ना। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझा भी पाऊँ मैं जो है। तो वैसे तो ये जो अपने सेशन होते हैं ये प्रैक्टिस के सेशन होते हैं, अगर आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो ना तो फिर आपको ये ज्यादा बढ़िया समझ लगेंगे, थ्योरी नहीं क्लियर तो टफ लगेंगे आप। 7वां क्वेश्चन, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर और 10^-7 मीटर इज कॉल्ड विजाती मिश्रण जिस विच घुलनहार दे कणां दा आकार 100 नैनोमीटर जा 10^-7 मीटर तो वड्डा हुंदा है, उहनूं की किया जांदा है? तो ये भी एक बड़ा पर्टिकुलर सा क्वेश्चन है। काफी जनों को आंसर पता है इसका जो है। देखो स्टूडेंट, क्या होता है, जो आप घुलित घोल रहे हो ना उसका एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज होता है, वो साइज के द्वारा हमें कुछ कुछ क्लियर होता है। जैसे कि देखो, अगर साइज जो होता है 10^-7 सेंटीमीटर तो घट हो गए, सेंटीमीटर का मतलब है मीटर में कन्वर्ट करो 10^-9 मीटर तो घट हो गए। अगर साइज इससे कम होए तो उसको अपा ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें कोई चीज अगर घुली होगी ना तो उसका पता ही नहीं लगेगा, वास्तविक कोर सबसे पहला वाला 10^-9, ठीक है। अगर 10^-9 से लेकर के 10^-7 मीटर की रेंज में हो साइज, तो वो कहलाता है कोलाइडर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको धुंधला धुंधला सॉल्यूशन दिखाई देता है कोलाइडर, कोलाइडर ये दूसरा आता है, इसमें थोड़े कण मोटे हो गए। और अगर 10^-7 मीटर तो वध होए, मतलब बहुत ही मोटे हो गए, तो वो कहलाती है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होता है, चीजें तैरती हुई आपको साफ दिखाई देती है। जैसे अगर आपने
एक गिलास पानी लिया और उसमें एक मुट्ठी भर के मिट्टी की डाल दी आपने, तो वो मिट्टी आपको तैरती हुई साफ दिखाई देगी, वो सस्पेंशन कहलाएगी। वही आपने एक गिलास पानी का लिया और उसमें एक नमक चुटकी भरा आपने डाल दिया नमक का, तो वो इतने पार्टिकल छोटे हो जाएंगे कि वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और वही अगर आप उसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक कर दो कि पानी वो धुंधला धुंधला हो जाए, तो वो कोलाइडर सॉल्यूशन भी बन जाता है। तो ये ना आपके पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने उसका घोलित है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सुने ना, 10^-5 सेंटीमीटर है ना, तो 10^-5 सेंटीमीटर है, तो 10^-5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में 10^-7 मीटर ही तो बनेगा, ठीक है। एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, क्लियर। चलो चलें आगे अगले पार्ट के ऊपर। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, पानी की भौतिक अवस्था की है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन वैसे तो। देना चाहिए था इसमें, मिसिंग है कुछ ना कुछ। वैसे देखो पानी की जो फिजिकल स्टेट होती है वो तीन तरह से होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होती है गैस। तीन अवस्थाएं होती है भी पानी की। तो अब पानी तीनों तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब इसने कोई क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, तो इस क्वेश्चन को आप बोनस रख देते हैं आप ना। पानी तो इन तीनों में से किसी भी तापमान में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसलिए कुछ कुछ डाउट था अपने को जो है। चलो तो देखो, 0°C पे आइस भी होती है और वाटर भी होती है, 25 पे सिर्फ वाटर होता है, 100 पे वाटर भी होता है और स्टीम भी होती है, और 200 पे सिर्फ स्टीम होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहां से कर रहा क्वेश्चन, पता नहीं कुछ गड़बड़ है। चलो अगला क्वेश्चन, मडी वाटर इज एग्जाम्पल हो। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया विद प्रूफ। चिक्कड़ दा पानी जिहड़ा हुंदा है, मटियाला पानी किस चीज़ का उदाहरण है, ट्रीव का, सस्पेंशन का, कोलाइडल का, कि नन ऑफ दिस। 25 नहीं है डियर शिवजोत, गलत है वो। सस्पेंशन की एग्जांपल है ना, ये मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन, अभी आपको क्लियर है ये। 10वां क्वेश्चन आ जाओ, एयर इज ए, हवा एक की है, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है कि ऑल है, हाँ जी। 10th का सी, वेरी गुड। हवा एक मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें आर्गन है, प्लस और भी बहुत सारी गैसें होती है इसके अंदर जो है, ठीक है। चलो जी, 11वां क्वेश्चन हमारा, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कोलाइडल पार्टिकल कैन स्कैटर लाइट फॉलिंग अपॉन देम इज कॉल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोलाइडल कोल कणा द्वारा प्रकाश नु खिलारण वास्ते नु की किया जाता है, तो पेड़ ग्रुप वाले बच्चों को तो कराया भी था मैंने, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल का घोल होता है, अगर आप उसके अंदर लाइट एक जगह से डालते हो तो वो हर जगह से निकलती है, खिलर जाती है, बिखर जाती है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट।
इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, टिंडल का प्रभाव। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले भाई, आज आपके ग्रुप के अंदर 5 से लेकर 5:30 के बीच 2 दिन के पीडीएफ भेज रहा हूं मैथ के, और 2 दिन के हिंदी के जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है। अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक इन ग्रुप्स का पार्ट नहीं बन पाया, अपना नाम और ETT 5994 लिख करके इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दो। ठीक है भाई, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दो, इस पेज का अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप जो है, ताकि आप आने वाले टाइम में क्लास खत्म होने के बाद अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सको आप जो है। ठीक है, ठीक है जी, इस नंबर, हाँ इसी ग्रुप, ये ग्रुप सारे अपने जो आपके ETT वाले हैं ना, इसी के थ्रू मैनेज होते हैं। ये पोलिंग के लिए नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, दोनों केमिस्ट्री की, सॉरी, क्योंकि मैथ तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, दिमाग में मैथ ही बैठा रहता है, केमिस्ट्री की, मैथ की भी तैयार है आपकी सारी, बस 1-2 दिन की वेट करो, इस शनिवार से पहले पहले सब PDF पुराने वाली अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैथ की सीरीज स्टार्ट करेंगे डियर, 1-2 दिन रुक जाओ, अभी मेरे पे लोड ज्यादा चल रहा है। द जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट जो पंजाबी क्लास लग रही है वो पंजाब गवर्नमेंट जॉब की लग रही है, जो दूसरे पेपर है, ETT का लेक्चर लगना स्टार्ट होगा अभी जो है। तो ये भी आपने देख लिया, कोलाइडल कणा दी सब दिशावां विच टेढ़ी मेढ़ी अनिगमित गति जड़ी होती है, उसको की कहा जाता है, उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन। जैसे कोलाइडल पार्टिकल ना ऐसे टकराते हैं, इधर टकरा के इधर आ जाते हैं, यहाँ किसी से टकराते हैं उधर चले जाते हैं, फिर वो उधर चले जाते हैं, फिर कोई टकराता है यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं, वो इस तरह से धक्के खाते रहते हैं। ये जो मोशन होता है ना, इस मोशन का नाम होता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे ही होगी जिसने इसकी, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, क्लियर, ब्राउनियन मूवमेंट। तेरहवां क्वेश्चन, SB इज एग्जांपल ऑफ, लो जी केमिकल नेम जो है आपके और उनके सिंबल जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया आपका। SB किसकी एग्जांपल है, ये है क्या वैसे, SB का मतलब क्या होता है, आप मेरे को लिख के बताओ, SB किसका सिंबल है। SB क्या होता है, होता क्या SB, लेड, लेड तो PB होता है, लेड तो PB होता है भाई। नहीं पता, एंटीमनी होता है, एंटीमनी, बिस्मिथ तो BI ही होता है, एंटीमनी। तो एंटीमनी किसकी एग्जांपल है, एक मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलोइड है, ठीक है, सही है, ये मेटलोइड होता है, उपधातु होता है, इसमें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। पेड ग्रुप में मैंने तो लिस्ट लिखाई हुई है, ओपन वाले काम करो, लिस्ट ऑफ मेटलोइड सर्च कर लेना क्लास के बाद और अलग से लिख लेना, काम आएगी। उपधातुआ
किन्ने तरह के होंगे उपधातु किन्ने होंगे और उनके क्या क्या नाम होते हैं और क्या क्या सिंबल होते हैं, ठीक है, अलग से नोट कर लेना सारे, जब तक मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। 14वें क्वेश्चन पे, फोग एंड मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, धुंध अते बदल किस चीज़ का उदाहरण है, एरोसोल का, इमल्शन का, सोल का के फोम का। अब ये सारे के सारे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल कोल दी प्रकार, ये सब उसमें से है टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट एरोसोल कहलाते हैं, जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर से लाइट हमेशा स्कैटर होती है। जब धुंध पड़ रही होती है, आपने देखा होगा धुंध में सामने से कोई व्हीकल आ रहा होता है ना, उसकी लाइट बहुत ज्यादा फैलती है, दिखाई नहीं देता सामने वाले को। ऐसे ही जब बदल होते हैं, अब बदल भी तो धुंधी होते हैं एक तरह के, है ना, उनमें भी सेम ही सीन होता है जो, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको एरोसोल कहा जाता है, थर्ड ग्रुप में मैंने करवाया था, बच्चों को ध्यान होगा जो यहाँ प्रेजेंट। चलो जी 15वां क्वेश्चन, फेस क्रीम इज एग्जांपल ऑफ, फेस क्रीम जो चेहरे पे जो क्रीम लगती है, क्या वो एरोसोल है, इमल्शन है, सोल है कि फोम है। ये भी मैंने करवाया क्वेश्चन जो है, फेस क्रीम जितने भी वो कोलाइडल लिखवाए थे उनकी एग्जाम्पल लिखाई थी मैंने। ये एक इमल्शन होता है, इमल्शन का मतलब होता है दो ना कुलन वाले पदार्थों का मिश्रण। ये मैंने इसकी देसी डेफिनेशन लिखा ली, आपको समझ लग जाएगी। जैसे कि ऑयल प्लस वाटर को मिला दो आप, इनसे आपका इमल्शन बनेगा। ये दो चीजें घुलने के लिए नहीं बनी फिर भी उनको घोल दी तो वो इमल्शन बनता है सारा जो है, ठीक है, इमल्शन, ठीक है भाई। क्वेश्चन तो बढ़िया है ना, अच्छे लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ना खूब मेहनत लगती है अगर वो सीखता हूं तो मैं। एक उनको दो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ऊपर से आपके एग्जाम के रेलिवेंट बनाना, और फिर 100 लाइव होते हैं और 50 लाइक होते हैं। एक और एग्जाम्पल आ गई कोलाइडल की, जेम स्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ, जेम स्टोन किस चीज के उदाहरण हैं, अलोय के सोल, ये सोलिड सोल के एरोसोल, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है ये क्या है, जेम स्टोन जुड़े हैं, ये सोलिड सोल होते हैं। जितने भी जेम्स होते हैं, जो हीरे मोती जवाहरात रंगीन पत्थर हो गए, जितने भी जेम्स हो गए, ये सारे के सारे सॉलिड सोल की एग्जांपल होती है। ये भी एरोसोल होते हैं, इसमें भी लाइट जो है ना वो बिखरती है, ठीक है, हीरे टाइप के पदार्थ जो हो गए। चलो जी बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर इन, मिश्रित होन दी दर गैस विच तेज होती है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने इस कमरे के अंदर हवा को छोड़ा, गैस कोई भी गैस जैसे परफ्यूम छोड़ा, वो फैल जाता है इस कमरे के अंदर। कोई परफ्यूम अगर आप मान लो पानी के अंदर छोड़ते हैं, या परफ्यूम ना छोड़ो पानी के अंदर आप इंक को छोड़ दो, स्याही को छोड़ दो, तो वो घुल जाएगी उसके अंदर। सॉलिड के अंदर भी आप इंक को छोड़ दो, अब आपको क्लियर हो गया कि वो जो डिफ्यूजन होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है कि लिक्विड में ज़्यादा होती है, गैस में ज़्यादा होती है कि अलॉय में ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, गैस में ही होती है, सॉलिड में तो घुलता ही नहीं कोई चीज़ जो है, और लिक्विड के अंदर बहुत ही स्लो घुलती है, और गैसेज में तो एक सेकंड में ऐसे कमरे के अंदर किसी ने छोटे से कोने के अंदर खुशबू छोड़ी और पूरे कमरे में फैल गई एक सेकंड के अंदर, उसको बाद में पता लगता है, अगलों को पहले पता लग जाता है। तो ये क्वेश्चन तो लॉजिकल था, लॉजिकल थिंकिंग से सही हो जाता आपका जो है। ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, कैंसा दे दाब नू मापन दा यंत्र केड़ा हुंदा है, कैंसा दे दाब नू। ये थोड़ा सा ना, चलो ठीक है, वैसे तो सही है, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, हिंदी में अलग, पंजाबी में अलग है, पर क्वेश्चन का आंसर सेम है। वायु दाब नू मापन दा यंत्र, कैंसा दे दाब की बजाय वायु दाब नू मापन दा यंत्र हुंदा है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ऑल ऑफ अबव।
हाँ बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी आपने। तो भाई बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर एक ट्यूब होती है ऐसी, इसमें मरकरी भरी जाती है। ये एक्सपेरिमेंट तो लैब में भी किया जाता है और ये आपको याद भी आ जाएगा। इसके ऊपर ये यूट्यूब ये होती है, इसलिए यूट्यूब तो जो आप देखते हैं वो नहीं होती है, यूट्यूब है ये आपकी। इसमें यूट्यूब उल्टी मरकरी से भर के डाली जाती है, तो इसमें ना मरकरी थोड़ी नीचे आती है, तो ये जो हाइट मरकरी की इसमें रहती है ना, इससे प्रेशर निकलता है अपना MgH। ये जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर काउंट होता है अपना जो है बेसिकली। ये बैरोमीटर होता है, एक सिंपल सा डिवाइस होता है, इस सारे सेटअप को बैरोमीटर बोलते हैं। हाँ अगरबत्ती भी कोई भी चीज है खुशबू वाली, बहुत जल्दी डिफ्यूज होती है यार। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज, मादे दा तत्व दा सब तो छोटा कण, तत्व दा सब छोटा कण। एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डेफिनेशन है बिल्कुल, कल किया था अपने, रिपीट हो गया। 20वां, वन मोल इज, एक मोल किसके बराबर होता है। अब देखो ये एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर जो कि 6.022 × 10 की पावर इसके बराबर 23 एटम्स या पार्टिकल के बराबर होता है। ए माइनस नहीं होता, प्लस होता है। ठीक है, फ्रेंड ग्रुप वालों, एक एक पार्ट करवाया मैंने आपको, एक एक पार्ट इन क्वेश्चंस का, इतनी डिटेल में पढ़ा है हमने ये चैप्टर जो है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। जैसे एक दर्जन की वैल्यू 12 होती है ना, एक स्टोन की वैल्यू 20 होती है, वैसे ही एक एवोगैड्रो की वैल्यू 6.022 × 10 की पावर 23, एक पेयर की वैल्यू, जोड़े की वैल्यू 2 होती है, ऐसे इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, खत्म हो गए क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अगर आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा प्लीज कमेंट को बंद करके इस वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अभी तक कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ तो ये नंबर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ भाई, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दो आपका नाम और ETT 5994 लिखकर। अगर आपने कल वाला पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके उस ग्रुप की जानकारी ले सकते हो। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, वेरी गुड। सुरेंद्र कुंबोज, सुरेंद्र सिलेक्ट हो गया 435 में। सुरेंद्र कौन से वाला है, अभी वो टंकी वाला सुरेंद्र बैठा है क्या यहाँ पे, टंकी वाला सुरेंद्र बैठा है यहाँ पे। हाँ अंजू, आपको बताया था ना डियर कल से लगेगी। अच्छा सुरेंद्र टंकी वाला बैठा है। अच्छा आपकी सिलेक्शन हो गई, फोन नहीं आया आपका यार। ठीक है, चलो बस करते हैं आपा, थैंक यू, कल मिलते हैं आपा, बाय बाय, टेक केयर।